जब तक हम बोल रहे थे तब तक अखबार पढ़ रहे थे, जब हम पूछने लगे तो फोन आ गया। ऐसा नहीं है भाई। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? प्रेम जी चौधरी। प्रेम जी भाई चौधरी। आपका? विक्रम भाई सोनी। अच्छा विक्रम भाई सोनी, आप ही से शुरू करें? बोहनी खराब कर दिया हमारे। नहीं, वो मेरे को आता नहीं, उसको बोलो, वो उसको आता है। मेरे को बोलने का आता नहीं, मैं बोलता हूँ। बोल सकता है वो। नहीं, अरे अभी तो बोल रहे हैं, रुको ना। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता। अच्छा पहले एक बात बताओ, सिर्फ नॉलेज में नहीं है ज्यादा? उसके नॉलेज में ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं है, अभी उसको, उसको दो। सुनो पहले आप हमको एक बात बताओ, ये नितिन पटेल, इनका काम धाम कैसा था? अरे आपका खबर बहुत अच्छा था। अच्छा है? अच्छा था। वो चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया? तो वो मालूम नहीं है, तो क्या है, उनका टिकट कट जाता क्या? तो उसकी तो मर्जी होगी ना। ऊपर से दबाड़ा है, यूं बोलो। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? नितिन भाई ने जो मेहसाणा में आज तक जो काम किया बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। पर नितिन भाई ने क्यों मना किया वो मालूम है? मेरे ख्याल से ऊपर से उसको दबाना है कि आप यहाँ से हट जाओ। वो नितिन भाई विजय रूपाड़े, उसको भी टिकट नहीं मिली, नितिन भाई को भी नहीं मिली, जो जो पुराने MLA थे उसको किसी भी को टिकट नहीं मिली, और नए चेहरे सब डाले हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अरे तो ये तो मुझको भी मालूम है। हाँ तो मेरे को जितना मालूम है इतना तो मैं आपको बोला। मैं ये देखो, ये 38 के करीब सीट नए उम्मीदवार काट दिया, नए उम्मीदवार लाए, 38 लोगों के टिकट BJP ने काट दिया। 38 लोग, उसमें नितिन भाई का भी काट दिया। तो नितिन भाई तो एक समय लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ वो बताया था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे पहले, लेकिन क्या हुआ, वो नए चेहरे 38, हाँ 38 नए चेहरे आ गए ना। नहीं एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं था कि नितिन भाई लड़ते तो शायद भाजपा हारने के? नहीं नितिन भाई तो ऐसे भी यही भाजपा में ही था ना, BJP में ही था। टिकट तो तभी कटता है जब उम्मीद रहती है कहीं हार न जाए आदमी, या बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है। नहीं ऐसे तो नहीं, उम्र के बारे में तो मैं नहीं बताता, पर नितिन भाई वहाँ खड़े रहे तो भी हारने की कोई ये दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब उनके हट जाने के बाद जो यहाँ के जिला अध्यक्ष BJP के मुकेश पटेल, उनको टिकट मिला है? हाँ मिला। कोई फर्क उनके चुनाव न लड़ने से नितिन पटेल के? फर्क तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मुकेश भाई जो पटेल है वो बहुत नए चेहरे है, और नितिन भाई तो कितने साल से, मेरे को भी ध्यान नहीं, इतने सालों से वो BJP में राज कर, 57 साल से वो राजकरण कर रहे थे। तो क्या होगा मेहसाणा में? मेहसाणा में तो अब तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो क्या है कि लड़ाई तो हो रही है, कांग्रेस की भी हो रही है, आप केजरीवाल की भी हो रही है, भाजपा में हो रही है, और देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखेंगे। अरे अभी तो आप तो एकदम शंख बज गया। नहीं शंख बज गया मैं कैसे बताऊं, यूं बता रहा हूं, अभी तो आज लास्ट दिन है ना, कितने फॉर्म, कितने वो फॉर्म आज कितने रिलीज। एक सूरत में वो जो पर्चा वापस ले लिया मालूम है, आम आदमी पार्टी वाला? नहीं ये मालूम नहीं ना, ये आपको मालूम है? कंचन भाई उसने वापस कर दिया। क्या लग रहा है आपको, किस लिए वापस किया? कुछ दबाव होगा इसका, अभी कोई पार्टी का या कोई फ्रेंड का, कोई ऐसे लघुमती समाज के लोग उसको मिलते रहते होते, उसके जो दावेदार होगा वो ही होगा, और क्या होगा। इस बार गुजरात में क्या होने वाला? अभी तो पब्लिक परिवर्तन चाहती है, मगर अभी ऐसा हुआ है कम्युनिटी बेस पर इलेक्शन चल रहा है, जातिवाद जी, उसमें कई ही लोगों को नाराज भी किया है, कई ही लोगों को राजी भी हुआ है। जैसे क्षत्रिय समाज नाराज हो या पटेल कम्युनिटी नाराज हो, वैसे कहीं ही टिकट बांटने में कुछ किया है सब लोग ने, या कांग्रेस वाला या भाजपा वाला, जो कुछ मानो वही। आप वाला तो बिल्कुल नई दौर में है, आप वाला है वो तो अभी ये चुनाव से ही आया, नई दौर में है। उसका क्या है, उसका अभी कितना जोर नहीं लगता ना, क्योंकि उसको वक्त नहीं मिला, फिर 2 मार्च से उसे स्टार्ट किया है, उसमें कितना वो कर सकता है। जो पब्लिक में संबंध में आना चाहिए वो कुछ मुद्दा पब्लिक के पास पहुंचे भी नहीं है, समझ में आया? अभी उसके पास वक्त कम हुआ, फिर भी दावेदारी करते हैं कि हम जीतेंगे, वो बात में कुछ दम नहीं है ज्यादा।
तो आपको क्या लगता है नितिन भाई के टिकट दूसरे जो ये नए चेहरे बीजेपी ने आजमाने की कोशिश की है वो किस वजह से की? कुछ नहीं, बीजेपी वाला नितिन भाई को अपडेट करना मांगते हैं, अपडेट करना मांगते हैं, वो दिल्ली ले जाने वाले हैं। अच्छा? हाँ, वो अभी दो दिन से पहले उसका स्टेटमेंट था भाजपा पार्टी वाले का कि भी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना ही है। तो क्या लग रहा है आपको? कौन सी बात में? गुजरात में, गुजरात में अभी कोई क्लियर मैटर नहीं हो सकती है। अभी परिवर्तन चाहती है पब्लिक। सरकार बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अरे आप कह रहे परिवर्तन चाहती है? पब्लिक चाहती है। पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। हाँ, मगर जोर हुकमी कुछ चलती होगी ना भाई। हाँ? जोर हुकमी कुछ चलती होगी। पब्लिक सब कुछ चाहती है मगर पब्लिक के मान्यता के मुजब नहीं होता है। समझ में आया आपको? पब्लिक जो मानती है वैसी तरह नहीं चलता है सब। तो कैसे हो जाता है? दूसरी कोई तकदीर से चल रहा है। आया अभी सभी बात मत में ज्यादा बात नहीं समझ। मत मांगो स्पष्टीकरण, मुझसे मत मांगो। इससे ज्यादा आप नहीं बोलना चाहते? नहीं, बोलना नहीं चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी एक कोई पॉलिटिशियन हूँ। किस पार्टी के? अरे जो पार्टी का है वही, उस अंदर से मत निकालना। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ। वो पार्टी का तो कोई अब नाम ज्यादा ले रहा है? कौन? अभी तो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं भाजपा वाली की सरकार बनेगी। नहीं, जिस पार्टी के आप हैं। कौन? मैं? मेरी पार्टी की बात मत पूछो मुझे, मैं बोलता हूँ ना। जोर उसका आगे कुछ उम्मीद है? मेरा? आप वाली पार्टी? नहीं, अभी आप वाली पार्टी का कोई उम्मीद नहीं होता। आपकी? मेरी? अरे मेरी तो जो उम्मीद है वही रखने दो ना यार, अभी उसमें ज्यादा नहीं। हम बोलते नहीं है किसी को, चुनरी की बात कीजिए, किसी के साथ करते नहीं है। हमको कुछ इसमें अभी तो चुनरी का सभी उम्मीदवार अजू तो बाकी है, चुनरी का कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, कौन खड़े रहने वाला है कौन खड़े रहने वाला नहीं अजू तो। आप क्या उम्मीदवार तो घोषित हो गए सर? कौन? आपके यहाँ तो सब उम्मीदवार घोषित हो गए? घोषित हो गए, पर अभी तो आज सिल्ली बार अजू तो फॉर्म वापिस लेने का है, इसमें क्या करने का है? अभी तो देर है, 20 तारीख के बाद चित्र होगा बस। कोई ये भी बोलता है कि बीजेपी चला भी जाएगा? नहीं, हम नहीं मानते, बस हम नहीं मानते। बीजेपी ही रहेगा? रहेगा, बीजेपी रहेगा। हाँ, किस वजह से? बीजेपी ने काम किया है, अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। भाजपा का भगवा लहराएगा, भाजपा का भगवा लहराएगा, जितनी सीटें आई 160 से ज्यादा जिताएगी। 160 ज्यादा बता रहे हैं? हाँ, 160 से ज्यादा आएगी। ज्यादा बता रहे हैं? इतनी तो नहीं आएगी, लेकिन 110 से 120 के बीच में रहेगी। 110 से 120 के बीच में रहेगी। और दूसरे पे कौन रहेगा? दूसरे पे कांग्रेस रहेगा।